हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी आज आपके साथ एक नए वीडियो के साथ जुड़ने जा रहा हूँ। बट आज का टॉपिक मैं बीकॉम थर्ड ईयर कोर्स में जो आपका गुडविल है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाने जा रहा हूँ। यानी अब तक मैंने अकाउंटिंग के रिगार्डिंग वीडियो, कुछ गोरखपुर यूनिवर्सिटीज़ के सेलेबस से वीडियो बनाया था, लेकिन बच्चों की बहुत सी डिमांड आ रही थी कि सर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग थर्ड ईयर में जो पोर्शन है उसके रिगार्डिंग कुछ वीडियो बना करके हमें हेल्प करिए, जिससे कि हम लोग अपने सेलेबस से अवेयर हो पाए और चीज़ों को जान पाए। इसी रिगार्डिंग मैंने अपना वीडियो आज का आपके सामने रखा है और यह वीडियो गुडविल के वैल्यूएशंस के रिगार्डिंग है। आप जब 11, 12th में गुडविल पढ़ रहे थे, जो आपने पार्टनरशिप अकाउंट पढ़ा, तो वहाँ भी गुडविल आपने बहुत डिटेल में पढ़ा। आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में आए, वहाँ भी जब पार्टनरशिप अकाउंट पढ़ा तो वहाँ भी गुडविल पढ़ा आपने। लेकिन अगर मैं कहूँ तो जो आपने 12th में गुडविल पढ़ा, जो आपने बीकॉम फर्स्ट ईयर में गुडविल पढ़ा, वो गुडविल रियल में कंप्लीट नॉलेज आपको प्रोवाइड नहीं करता है। बीकॉम थर्ड ईयर में जो हम लोग का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, वहाँ एक गुडविल का सेपरेट चैप्टर है और वहाँ गुडविल के रिगार्डिंग A to Z सारी चीज़ें हैं। मैं आज के टॉपिक में वैल्यूएशन का टॉपिक लिख रहा हूँ। अभी मेरा गुडविल के रिगार्डिंग 2-3 क्लासेज हैं जिसके थ्रू मैं कंप्लीट गुडविल का पोर्शंस आपके सामने लेके आऊँगा। आज मैं आपको गुडविल के वैल्यूएशंस के रिगार्डिंग सारे इन्फॉर्मेशंस बताने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लास है। अगर आप इस क्लास को देखते हैं तो जो भी डाउट्स आपके सामने होंगे ना, वो क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको अटेंशन पे करना होगा, क्योंकि जो टर्मोलॉजी मैं यूज़ करने जा रहा हूँ वो थोड़ी डिफरेंट टर्मोलॉजी होगी, उस पर आपको काम करना होगा। आइए, जब गुडविल की वैल्यूएशन की बात आती है तो गुडविल के वैल्यूएशन के मेन 4 मेथड्स हैं और इन्हीं 4 मेथड्स के बेसिस पे गुडविल आपको निकालना होगा। लेकिन इस मेथड्स पे आगे बढ़ने से पहले बता दूं आपको कि गुडविल का जो वैल्यूएशन है ना, ये गुडविल का जो पूरा वैल्यूएशन है, वो गुडविल का वैल्यूएशन प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड होता है। यानी कि देर इज प्रॉफिट, देर इज गुडविल, देर इज नो प्रॉफिट, देर इज नो गुडविल। यानी अगर बिजनेस से प्रॉफिट होगा तो गुडविल होगा, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो गुडविल नहीं होगा। और प्रॉफिट का सेंस यहां पे 2 प्रॉफिट से है। एक आपका है एवरेज प्रॉफिट, और एक आपका है सुपर प्रॉफिट। यानी गुडविल का पूरा वैल्यूएशन प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड है। हमारा जो गुडविल का वैल्यूएशन है, या तो एवरेज प्रॉफिट के बेस होगा या तो सुपर प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड होगा। एवरेज प्रॉफिट के बारे में आप जानते हैं कि जो बिजनेस का लास्ट ईयर्स के प्रॉफिट्स हैं, यू कैन से ट्रेडिंग प्रॉफिट, जो बिजनेस का प्रॉफिट है, उन प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स को जोड़ के आप उतने नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। यानी एवरेज ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, रियल में सुपर प्रॉफिट जो है वो डिफरेंस होता है एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का। सुपर प्रॉफिट को निकालने के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा और फिर उसके बेसिस पे काम करना होगा आपको। तो बस एक चीज क्लियर है कि इस पूरी गुडविल के वैल्यूएशन में जो मेथड मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं ना, वो सारा मेथड प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड है। और यहां 2 प्रॉफिट आएगा, या तो एवरेज प्रॉफिट आएगा या तो सुपर प्रॉफिट आएगा। यानी आप तैयार रहिए, आप जब क्वेश्चंस करेंगे गुडविल में तो बहुत साफ साफ मेंशन होगा कि वह गुडविल का वैल्यूएशन एवरेज प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड है कि सुपर प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड है, ये साफ साफ आपसे कहा जाएगा। अगर एवरेज प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड है तो आप कॉन्सेप्ट एवरेज प्रॉफिट को लेकर चलेंगे, अगर सुपर प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड है तो आप सुपर प्रॉफिट के ऊपर गुडविल को निकालेंगे। यानी कि पूरा गुडविल, यानी कि बेसिस ऑफ गुडविल आइदर एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। तो आप जानिए जो गुडविल का वैल्यूएशन होगा ना, तो आपको इन 2 प्रॉफिट्स पे आपको काम करना होगा। आइए उसी के साथ मैंने यहां मेथड्स मेंशन कर रखा है, देखिए कौन कौन सा मेथड है। सबसे पहले है एवरेज प्रॉफिट मेथड। यानी यहां जो गुडविल का वैल्यूएशन है, वो वैल्यूएशन टोटली एवरेज प्रॉफिट जो आप निकालेंगे उसी एवरेज प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड होगा। फिर देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड, दूसरा मेथड जो है, वहां गुडविल निकालने के लिए आपको सुपर प्रॉफिट चाहिए। सिर्फ यही नहीं, मेथड थर्ड और मेथड फोर्थ, ये दोनों मेथड, यानी कि मेथड 2
मेथड 3, मेथड 4, ये सब सुपर प्रॉफिट के ऊपर ही बेस्ड है। यानी इन चार मेथड्स में पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड है और बाकी तीनों मेथड, एक में सुपर प्रॉफिट साफ साफ मेंशन है, फिर कैपिटलाइजेशन मेथड में भी गुडविल सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे ही निकलेगा और एन्युटी मेथड में भी गुडविल सुपर प्रॉफिट के बेस पे निकलेगा। यानी गुडविल का वैल्यूएशन जो होगा वो या तो एवरेज प्रॉफिट या तो सुपर प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड होगा। चलिए, आपने एक चीज तो अपने माइंड में सेट कर लिया होगा, गुडविल का वैल्यूएशन सुपर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड होगा। आइए, अब ये जो डिफरेंट मेथड्स है ना, जो डिफरेंट मेथड मैंने आपको बताया, अब मैं उन्हीं मेथड्स के साथ आपके के लिए काम करने जा रहा हूं, उन्हीं मेथड्स पे आपके साथ काम करने जा रहा हूं। इन चार मेथड्स में से आइए सबसे पहले हम बात करेंगे किस मेथड्स की, एवरेज प्रॉफिट्स मेथड्स। यानी हम कवर करने जा रहे हैं फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड। यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड में अगर आप गुडविल निकालेंगे तो गुडविल का वैल्यूएशन आप कैसे निकालेंगे, इसके ऊपर हम लोग काम करने जा रहे हैं। आपको सुनने में तो बहुत इजी लग रहा है कि गुडविल का वैल्यूएशन एवरेज प्रॉफिट मेथड्स के ऊपर बेस्ड है, मतलब प्रॉफिट का एवरेज निकाल लो, मतलब प्रीवियस ईयर के जितने प्रॉफिट दिए हों उतने प्रॉफिट्स को जोड़ दो और किसी ईयर लॉस हुआ है तो उसको लेस कर दो, उसके बाद जो टोटल प्रॉफिट आ रहा है उसको उतने नंबर ऑफ ईयर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और फिर उसी एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल क्या कर दो, आप वैल्यू कर दो। आपको तो बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन नहीं, थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ है। प्रॉब्लम क्या है, मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि जो हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे ना, वो एवरेज प्रॉफिट किस प्रॉफिट का एवरेज निकालेंगे, क्या हम ग्रॉस प्रॉफिट का एवरेज निकालेंगे, क्या हम नेट प्रॉफिट का एवरेज निकालेंगे, या जो प्रॉफिट बैलेंस शीट में ट्रांसफर की जाती है उस प्रॉफिट का एवरेज निकालेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक क्वेश्चन मार्क सामने आ गया कि जो हम गुडविल निकालने जा रहे हैं वो गुडविल अगर एवरेज प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड है तो जो हम एवरेज निकालेंगे प्रॉफिट्स का वो कौन सा प्रॉफिट होगा, क्या ग्रॉस प्रॉफिट का एवरेज निकालेंगे या नेट प्रॉफिट का एवरेज निकालेंगे या जो बैलेंस शीट का प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का एवरेज निकालेंगे, इस पे हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। अब जो प्रॉफिट का पार्ट है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। आप प्रॉफिट्स के लिए क्या करते हैं, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता है, उसको पीएल अकाउंट में भेजते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के आप बिजनेस का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। आपके क्वेश्चंस में जो प्रॉफिट दिया होगा, आई मीन जो नेट प्रॉफिट दिया होगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही दिया होगा। तो क्या आप उस नेट प्रॉफिट को लेकर के एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, नहीं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप एवरेज प्रॉफिट किस प्रॉफिट का निकालेंगे, तो आपको वह प्रॉफिट कंसिडर करना है जो प्रॉफिट एबनॉर्मल आइटम को इग्नोर करके कैलकुलेट किया गया हो, नॉन ऑपरेटिंग आइटम को इग्नोर करके कैलकुलेट किया गया हो या नॉन रिकरिंग आइटम को इग्नोर करके कैलकुलेट किया गया हो। अब एक क्वेश्चन है, आप जिस प्रॉफिट का एवरेज निकालेंगे वह प्रॉफिट नॉन ऑपरेटिंग आइटम, नॉन रिकरिंग आइटम, एबनॉर्मल आइटम को कंसिडर करके ना निकाला गया हो, बट जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है ना, तो हम उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नॉर्मल आइटम एबनॉर्मल आइटम दोनों दिखाते हैं, रिकरिंग नॉन रिकरिंग दोनों दिखाते हैं, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग दोनों दिखाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाते समय तो हमारे दिमाग में गुडविल का वैल्यूएशन नहीं होता है कि हम वहां प्रॉफिट्स को उसके हिसाब से करें, हम तो सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। लेकिन बाद में जो गुडविल की वैल्यूएशंस की बात आती है तो हम प्रॉब्लम में होते हैं कि कैसे हम गुडविल को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो एक प्रॉब्लम आई कि जो बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू प्रॉफिट आया, वो प्रॉफिट जो है वो नॉन ऑपरेटिंग आइटम, नॉन रिकरिंग आइटम या एबनॉर्मल आइटम को रख के निकाला गया है, और जब इन सबको रख के प्रॉफिट निकाला जाएगा तो वह उस प्रॉफिट्स को कभी भी गुडविल के वैल्यूएशंस के लिए एवरेज प्रॉफिट्स कंसिडर नहीं किया जाएगा। यानी अब आपको प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। अब एक प्रॉब्लम आई कि अगर आपके प्रॉफिट जो दिया गया है, अगर वो प्रॉफिट इन सब आइटम्स को कंसिडर कर निकाला गया है, मतलब नॉन रिकरिंग, नॉन ऑपरेटिंग, एबनॉर्मल, तो पहले आप तो प्रॉफिट को रिवाइज करना होगा। आइए इस पे बात करते हैं, पहले रिकरिंग और नॉन रिकरिंग आइटम्स क्या है। रिकरिंग जो बिजनेस के कोर्स में डेली होता है, हमेशा एक इंटरवल्स पे होता है, जैसे आप पर मंथ रेंट देते हैं बिल्डिंग का, एम्प्लॉय की सैलरी देते हैं, रिकरिंग आइटम है जो बार बार देंगे आप। नॉन रिकरिंग जो बार बार नहीं होता है, कभी कभी होता है, वो नॉन रिकरिंग हम आगे आ गए। नॉर्मल जो बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में खर्चे होते हैं, एबनॉर्मल जो रेयर कभी हो जाए, जैसे गोडाउन में आग लग गया, स्टॉक जल गया, चोरी हो गया, ये आपका एबनॉर्मल हो गया।
ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग, जो बिजनेस के ऑपरेशन में खर्चे होते हैं गुड्स को खरीदने से लेकर बेचने तक में, ये ऑपरेटिंग आइटम्स है या इससे रिलेटेड इनकम ऑपरेटिंग इनकम से। बट वे खर्चे जो बिजनेस के ऑपरेशन में नहीं है, जैसे आपने इन्वेस्ट कर दिया सिक्योरिटीज बॉन्ड्स में, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये बिजनेस के गुड्स खरीदने और बिजनेस इनकम नहीं हो रही है, ये इन्वेस्टमेंट करने से इनकम हो रही है, तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम से। आपने दूसरे कंपनी शेयर्स में पैसा लगाया, डिविडेंड मिला, ये भी क्या है, नॉन ऑपरेटिंग है आपका। तो आपको सबसे पहले जो जिस प्रॉफिट का एवरेज निकालना है, उस प्रॉफिट्स के लिए आपको काम करना पड़ेगा एंड उस प्रॉफिट को रिवाइज करना पड़ेगा। आइए अब हम इस मेथड्स में आ रहे हैं। पहला मेथड मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं और पहला मेथड जो हमारा है उस मेथड्स को हम लोग कहते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड्स, एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड्स में हम आपके साथ काम करने जा रहे हैं। पहला मेथड है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है ना। इस मेथड्स में अब आप, ये फर्स्ट मेथड है आपका। अब इस मेथड में गुडविल निकालने कितने स्टेप्स होंगे, आइए इसमें हम बात करते हैं आपसे। स्टेप वन, आप क्या करेंगे, जो बिजनेस का प्रॉफिट दिया है सीधे उस डायरेक्टली उस प्रॉफिट का एवरेज नहीं निकालेंगे आप, क्योंकि उस प्रॉफिट को निकालते समय नॉन रिकरिंग नॉन ऑपरेटिंग एबनॉर्मल आइटम्स को कंसिडर किया गया है। तो आप पहले अपने प्रॉफिट्स को रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट को एडजस्ट करने जा रहे हैं, यानी कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। यानी आप स्टेप वन में आ गए और आप प्रॉफिट को एडजस्ट करने जा रहे हैं। आइए कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट आप कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सपोज करिए कि एक बिजनेस के 3 साल का प्रॉफिट दिया गया है, यह पर्टिकुलर हो गया, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर, ये थर्ड ईयर। अब ये देखिए क्या ले लिया हमने, नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट्स, हमने क्या किया, जो प्रॉफिट्स दिया है उस प्रॉफिट्स को हमने यहां रख लिया। अब इस प्रॉफिट में दो ग्रुप होगा, एक ग्रुप आपका ऐड का होगा और एक ग्रुप आपका लेस का होगा। क्या ऐड और लेस करेंगे आप, फॉलो करिएगा। आप ऐड और लेस क्या करने जा रहे हैं, आप अगर आपके किसी नॉन ऑपरेटिंग एबनॉर्मल और नॉन रिकरिंग आइटम से बिजनेस का प्रॉफिट घट चुका है, उसको दिखाने से जब उसको आप पीएल अकाउंट से हटाएंगे, जब आप एक्सपेंसेस लॉसेस को पीएल से हटाएंगे, तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कोई भी नॉन रिकरिंग आइटम एबनॉर्मल आइटम या नॉन ऑपरेटिंग आइटम जो पीएल के डेबिट में है, जिससे आपका प्रॉफिट घटा है, उसको लाके आप जोड़ देंगे। यानी क्या है आपका एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, फिर आपका नॉन रेकरिंग आइटम, यानी हमने किसको ऐड किया, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में अगर कोई नॉन रेकरिंग आइटम है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, एबनॉर्मल आइटम है, एबनॉर्मल आइटम लॉस मीन्स जैसे गोडाउन में आग लग गया, चोरी हो गया, तो ये एबनॉर्मल है, इसको पीएल में दिखाने से प्रॉफिट घटा है और गुडविल निकालते समय एबनॉर्मल के इफेक्ट्स को हटाना होगा। जब इसको हटाएंगे पीएल से तो प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ जाएगा, ऐड में आ गया। नॉन ऑपरेटिंग जितने आइटम पीएल के डेबिट में हैं जो बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, जब उनको हटाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अगर नॉन रेकरिंग आइटम्स आपके पीएल के डेबिट में है जो रेकरिंग नेचर का नहीं है, जब उसको हटाएंगे तो इस इन सबसे प्रॉफिट बढ़ेगा और यही आइटम लेस में आएंगे। अगर इन सब ने हमारे प्रॉफिट्स को बढ़ाया है तो लाके इनको क्या करेंगे, हम लोग लेस कर देंगे। यानी यहां फिर
एबनॉर्मल आइटम्स यहाँ, ठीक है ना, फिर नॉन ऑपरेटिंग आइटम, फिर नॉन रिकरिंग आइटम्स। नॉन रिकरिंग आइटम्स, अब देखिए अगर मान लीजिए कि आपको सट्टे से कोई प्रॉफिट हुआ है तो पीएल के क्रेडिट में गया, उसने आपके प्रॉफिट्स को बढ़ा दिया, ये बिजनेस रिलेटेड यानी कि ट्रेडिंग प्रॉफिट्स नहीं है तो इसने आपके प्रॉफिट्स को बढ़ाया तो लेस कर दीजिए। अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग आइटम जैसे कि आपने इन्वेस्ट किया और आपको उस पर इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, ये बिजनेस के ऑपरेशन रिलेटेड नहीं है, इसने आपके प्रॉफिट को बढ़ा दिया, इसको आप लेस कर देंगे। उसी तरह कोई नॉन रिकरिंग आइटम जिससे आपका प्रॉफिट अननेसेसरी बढ़ा हो उसको लेस कर दीजिएगा। बस अब इसको हम लोग फाइनलाइज करने जा रहे हैं। हम लोग अपने प्रॉफिट्स में ऐड और लेस करते हुए एक फाइंडिंग्स पे आएंगे और ये हमारा कहलाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट। ये क्या कहलाएगा? हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट कहलाएगा। आइए हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आ गए और यहां पे आपको बता रहा हूं कि हमने क्या किया, बिजनेस के प्रॉफिट्स को लिया, उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स किए। क्या एडजस्टमेंट किए? अगर उस प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करते समय कोई एबनॉर्मल आइटम, कोई नॉन रिकरिंग या कोई नॉन ऑपरेटिंग आइटम है तो उसको एडजस्ट करने के बाद हम लोग क्या निकाल लिया? एडजस्टेड प्रॉफिट। आप इस प्रॉफिट का एवरेज निकालेंगे, आप जो ये प्रॉफिट दिया हुआ ना इसका एवरेज नहीं निकालेंगे आप। हाँ, अगर पॉसिबल है कि चीजें बुक्स में नहीं है तो आप इसी का डायरेक्ट एवरेज निकाल देंगे, बट अगर ये चीजें बुक्स में है तो आपको इनको एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका आप एवरेज निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप क्लियर, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। आइए हम स्टेप टू पे आते हैं और स्टेप टू पे आकर के बताते हैं कि नेक्स्ट अब आपको क्या करना है। ये चीज देखिए, आइए स्टेप वन में हम लोगों ने क्या निकाल लिया? एडजस्टेड प्रॉफिट। और स्टेप टू में आ रहे हैं हम लोग। स्टेप टू कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। अब जिस प्रॉफिट्स को हमने निकालना है उस प्रॉफिट्स का हम एवरेज निकालेंगे। आगे हमारे मेथड का नाम क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब यहां आ रहे हैं कैसे निकालेंगे, देखिए आप लोग। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, इसका टोटल कर देंगे तीनों का, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन ईयर्स। ओके, यानी आप इन एडजस्टेड प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे और उतने नंबर से क्या करेंगे आप, डिवाइड कर देंगे। क्या आ गया आपका? एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। और आपने प्रॉफिट को एडजस्ट करने के बाद उसका एवरेज निकालना है आपको, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग थर्ड स्टेप पे आ रहे हैं, स्टेप थ्री। आइए, हमें गुडविल पे पहुंचना है। अभी हम लोगों ने क्या किया? प्रॉफिट को एडजस्ट किया, प्रॉफिट को एडजस्ट करने के बाद उसका एवरेज निकाला। अब पता है आपको, जो गुडविल का हम लोग वैल्यूएशन करते हैं वो गुडविल पास्ट से रिलेटेड है, प्रेजेंट से रिलेटेड है या फ्यूचर से रिलेटेड है। हम अगर कोई बिजनेस परचेस कर रहे हैं और उस बिजनेस परचेस जो हम कर रहे हैं उसके लिए हमें गुडविल भी पे करना है तो हम उस गुडविल को वैल्यू कर रहे हैं। रियल में जो गुडविल की वैल्यू होती है वो फ्यूचर्स की होती है, बट हम जो यहाँ डाटा लिए हैं ये सारा डाटा पास्ट का है, यानी पिछले वर्षों के ये इंफॉर्मेशंस हैं, जबकि गुडविल तो बेस्ड फ्यूचर पे होता है, यानी जो गुडविल की वैल्यू पे करते हैं वो फ्यूचर के लिए पे करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि
क्या जो हमने यहाँ पे एक्सपेंसेस इनकम लॉसेस लिए हैं ये सिर्फ पास्ट का ही होगा कि फ्यूचर के एक्सपेंसेस इनकम्स भी हमारे बिजनेस के प्रॉफिट्स को फ्लक्चुएट्स करेंगे यानी उनको प्रभावित करेंगे। फैक्ट है, हम गुडविल के लिए जो गुडविल की वैल्यू निकालते हैं वो गुडविल फ्यूचर के ऊपर बेस्ड होता है। तो फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस, नहीं होने वाले एक्सपेंसेस, फ्यूचर में होने वाले इनकम्स, फ्यूचर में नहीं होने वाले इनकम्स भी हमारे इस प्रॉफिट्स को प्रभावित करेंगे। तो अब आइए, अगर फ्यूचर से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में है तो आपका एक काम और बढ़ेगा। अब आपको एक इस एडजस्टेड प्रॉफिट को लेकर के इसमें फ्यूचर के आइटम को एडजस्ट करना होगा, तब जो आएगा वो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कहलाएगा। एक्चुअल का सेंस यहां पे फ्यूचर आइटम को कंसिडर करके है। एंड स्टेप थ्री में आइए, स्टेप थ्री में हम लोग क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल। अब क्या कर रहे हैं आप यहां थर्ड स्टेप में हैं। ये स्टेप तभी यूज करेंगे आप जब आपके क्वेश्चंस में फ्यूचर्स के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन दिया होगा तो उसके रिगार्डिंग आप क्या करेंगे, काम करेंगे। आइए, इसकी शुरुआत कैसे करेंगे आप, इसके लिए आप ऊपर वाले ले लेंगे एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट ले लिया मैंने ये। इसमें अब आप एड और लेस का काम करेंगे, ठीक है, फॉलो करिएगा। अब इसमें हम लोग एड और लेस की बात करेंगे। आइए, इसमें एड क्या करेंगे, लेस क्या करेंगे, फॉलो करिएगा। एड दो पॉइंट्स है यहां पे, लेस भी दो पॉइंट है यहां पे। आइए, अब क्या एड क्या लेस करेंगे आप, फॉलो करिएगा यहां पे। अब एक्चुअली जो आप तो यहां वर्क करने जा रहे हैं ना उसकी बात करें आपसे तो फ्यूचर की बात हो रही है। एक्सपेंसेस जो अब तक नहीं होते थे फ्यूचर में होंगे, तो उन अब तक जो एक्सपेंसेस होते थे फ्यूचर में नहीं होंगे, अब तक नहीं होते थे फ्यूचर में होंगे, इनकम अब तक होता था फ्यूचर में नहीं होगा, अब तक नहीं होता था फ्यूचर में होगा, इसकी बात हो रही है। तो आइए सबसे पहले एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, फिर एक्सपेंसेस नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, इनकम एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। एक्सपेंसेस जो अब तक होते थे तो प्रॉफिट घटता था, फ्यूचर में वो एक्सपेंसेस नहीं होंगे। अगर फ्यूचर में वो एक्सपेंसेस नहीं होंगे तो एक्सपेंसेस होने से प्रॉफिट घटता है, नहीं होगा तो प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो एक्सपेंसेस फ्यूचर में अगर नहीं होंगे तो फ्यूचर का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इनकम एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, अब तक कुछ ऐसी इनकम थी जो नहीं हो रही थी बट आगे वो इनकम रेगुलर होगी, रेकरिंग नेचर की होगी, तो वह इनकम अगर फ्यूचर में होगी तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये एड में आ गया। इसी का अपोजिट लेस में होगा कि एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, और फिर इनकम नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, इनकम नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। एक्सपेंसेस अगर फ्यूचर में होंगे तो अब तक आपका प्रॉफिट नहीं घटता था बट वो एक्सपेंसेस फ्यूचर में रेकरिंग नेचर का होगा तो फ्यूचर में आपका प्रॉफिट घटेगा, और इनकम जो अब तक होते थे तो प्रॉफिट बढ़ रहा था बट फ्यूचर में वो नहीं होंगे तो प्रॉफिट क्या होगा, घट जाएगा। अब देखिए इन सारी चीजों को आप मर्ज करिए और ये जानते हैं क्या आएगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, देखिए अब हमने क्या किया, पहले क्या किया, प्रॉफिट को एडजस्ट किया, उसका एवरेज निकाला, और उस एवरेज प्रॉफिट में फ्यूचर के एक्सपेंसेस इनकम्स जो फ्यूचर में होंगे, अब तक नहीं हो रहे थे फ्यूचर में होंगे, अब तक होते थे फ्यूचर में नहीं होंगे, इनकम्स
अब तक होते थे फ्यूचर में नहीं होंगे, या अब तक नहीं होते फ्यूचर में, इनसे हमारा प्रॉफिट अफेक्ट हुआ और हम आ गए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स पे आ गए एक्चुअल। यही इसी टर्म्स का हम वेट करते हैं इस मेथड में गुडविल निकालने का। कोई जरूरी नहीं कि सारी चीजें आपको सारे क्वेश्चंस में करने पड़ जाए, बट एवरेज प्रॉफिट मेथड में जब बात होता है तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम यहां पहुंचना चाहते हैं एक्चुअल पे। अब यहां से गुडविल निकालना आपके लिए बहुत ही आसान है। देखिए अब लास्ट स्टेप में हम लोग कि फोर्थ स्टेप में हम लोग गुडविल निकालने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से स्टेप फोर कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल अब गुडविल कैसे निकालेंगे आप देखिए। गुडविल इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। ये देखिए अब हम लोग गुडविल पे आ गए। कैसे किया हम लोगों ने? अब हम लोगों ने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को निकाला और उसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेस से इनटू कर दिया। अब सुनिए नंबर ऑफ ईयर्स परचेस क्या होता है? जो आपका ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है वो फ्यूचर में कितने साल तक मेंटेन रहेगा, यानी जो आपने एक्चुअल प्रॉफिट निकाला है ये फ्यूचर में एक साल तक मेंटेन रहेगा, दो साल तक मेंटेन रहेगा, तीन साल तक, कब तक मेंटेन होगा? तो आप सोचिए ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमने पास्ट और फ्यूचर के बेसिस पे निकाल लिया और उसको इनटू कर दिया नंबर ऑफ इयर्स परचेस से। सपोज यहां 100,000 है और नंबर ऑफ इयर्स परचेस 3 है, इसका मतलब 100,000 जो हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आया है वो फ्यूचर के 3 साल तक मेंटेन रहेगा। अब देखिए इस पूरे टॉपिक्स पे आइए एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड्स पे हैं। पहला प्रॉफिट्स को एडजस्ट करेंगे, इसमें जो बिजनेस का प्रॉफिट दिया होगा नेट प्रॉफिट कह लीजिए प्रॉफिट, इसमें नॉन ऑपरेटिंग, नॉन रेकरिंग या नॉन एबनॉर्मल आइटम्स को ऐड और लेस करेंगे, उनको ऐड करेंगे जिससे प्रॉफिट घटा है, उनको लेस करेंगे जिससे प्रॉफिट बढ़ा है। क्वेश्चन में बहुत साफ साफ लाइन होगा, आप कहीं प्रॉब्लम नहीं होंगे। फिर हम इसका एवरेज निकालेंगे स्टेप 2 में। स्टेप 3 में अगर फ्यूचर का कोई एक्सपेंसेस इनकम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो हम एक्चुअल निकालेंगे, नहीं दिया होगा तो ही स्टेप 2 से ही हमारा काम चल जाएगा। फिर 4 स्टेप में ना होकर हम 3 स्टेप में आ जाएंगे। फिर हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, एक्चुअल में क्या करेंगे हम प्रॉफिट्स को फ्यूचर के आइटम्स से रिलेट्स करेंगे, आ जाएगा एक्चुअल प्रॉफिट्स, और बाद में उस एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स को नंबर ऑफ ईयर परचेस से इनटू कर देंगे, आ जाएगा हमारा गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स जब एवरेज प्रॉफिट की बात आती है तो एवरेज प्रॉफिट में दो टॉपिक है, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट और एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट। मैं अभी वेटेड की बात आपसे नहीं किया हूं इसीलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आगे जब आऊंगा तो वेटेड की बात सीधे क्वेश्चंस ले करूंगा तो हां आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। हम यहां सिंपल एवरेज मेथड की बात कर रहे हैं और ये सारी चीजें आपके सामने।
शुरू करें। आइए हम लोग दो मेथड्स के बाद थर्ड मेथड पे आ रहे हैं। थर्ड मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड है। इस मेथड में गुडविल का कैलकुलेशन सुपर प्रॉफिट के ऊपर ही बेस्ड है। इसमें आपको कोई एडिशनल काम नहीं करना है, सुपर प्रॉफिट तक वही काम करना है जो आपने सुपर प्रॉफिट मेथड में किया, और उसके बाद प्रॉफिट के बेसिस पे आपको कैपिटलाइज कर देना है। आइए कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल चार स्टेप से निकालेंगे। स्टेप वन, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट जो पहले आप पढ़े हैं फर्स्ट मेथड में, फिर कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट वही कैपिटल या एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड के बेसिस पे निकालेंगे आप। तीसरा सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट वही जो आपके पिछले मेथड में था। यानी तीन स्टेप आपको वही करना है जो आपने कहां पे किया, सुपर प्रॉफिट मेथड में किया। अब कैलकुलेशन का मतलब क्या है कि जो आपका प्रॉफिट आया है उस प्रॉफिट के बेसिस पे कैपिटल क्या होगी, यानी आप प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करने जा रहे हैं उसको यहां फॉलो करेंगे। तो आइए स्टेप फोर में आते हैं, और स्टेप फोर में हम लोग गुडविल को कैसे निकालेंगे इसकी बात आपको बताने जा रहे हैं। देखिए आके स्टेप फोर, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। आइए यहां गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट जो आपको ऊपर मिला है, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। ये देखिए हम लोग गुडविल निकालिए। मैंने कहा ना कि आप दो मेथड पढ़िए, उसके बाद थर्ड और फोर्थ मेथड में कोई परेशानी नहीं। यानी कि कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल निकालने के लिए आपको सेम उसी तरह काम करना है जो आप सुपर प्रॉफिट मेथड में काम किए हैं। बस चौथे स्टेप में आके आपको सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, यानी आप नॉर्मल प्रॉफिट के बेसिस पे जो रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट है उस बेसिस पे कैपिटलाइज कर देंगे वैल्यू को। यह हमारा थर्ड मेथड है। अब हम आ रहे हैं फोर्थ मेथड पे। फोर्थ मेथड है एन्यूटी मेथड, हम उस पे आपके साथ बात करने जा रहे हैं। फोर्थ मेथड है एन्यूटी मेथड, यह हमारा फोर्थ मेथड है। पता है आप इस मेथड में आएंगे ना तो इस मेथड में भी गुडविल को वैल्यू करना आपके लिए बहुत आसान होगा। एन्यूटी मैथमेटिकल टेबल, जैसे आप लॉग टेबल पढ़ते हैं, एंटी लॉग टेबल पढ़ते हैं, उसी तरह एक एन्यूटी रेट कैलकुलेशन टेबल होता है। आपका एक टेबल होता है एन्यूटी टेबल, उसमें हम लोग डिफरेंट प्राइस का, डिफरेंट रेट से डिफरेंट टाइम पे क्या वैल्यू होगा पता कर लेंगे। जैसे रुपीज वन का 5% से 3 ईयर्स की वैल्यू क्या होगी, रुपीज वन का 3% से 5 ईयर की वैल्यू क्या होगी, ये तो प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। और ये वैल्यू आपके क्वेश्चंस में दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप निकालेंगे। यहां गुडविल का कैलकुलेशन टोटली कैलकुलेशन जानते हैं एन्यूटी रेट्स के ऊपर बेस होता है। तो गुडविल यहां पे जो निकालेंगे आप वो एन्यूटी रेट जो गिवेन होगा उसके बेसिस पे होगा। यहां भी गुडविल आप जब कैलकुलेट करेंगे ना तो आपको सुपर प्रॉफिट चाहिए। यानी अगर आप आइए देखिए यहां भी हम उसी चीज को रिपीट करने जा रहे हैं। अगर हम यहां आए तो हम उसी चीज को रिपीट करने जा रहे हैं, वही सारे स्टेप्स फिर आने जा रहे हैं आपके। ये आपके एन्यूटी मेथड, इस एन्यूटी मेथड में फिर आपको एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट निकालना, सेम फिर आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, फिर आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के बाद आपको फिर सुपर प्रॉफिट निकालना है। देखिए यहां तक तो कोई परेशानी नहीं, यानी एन्यूटी मेथड में भी तीन स्टेप्स आपके सेम होंगे। देखिए पहले एवरेज या एक्चुअल, फिर नॉर्मल प्रॉफिट्स, और फिर सुपर प्रॉफिट। यानी एन्यूटी मेथड से गुडविल निकालने के लिए भी आपको सुपर प्रॉफिट चाहिए, जो देखिए यहां आपको तीन स्टेप मिल गया। अब हम स्टेप फोर में आएंगे और स्टेप फोर में आगे गुडविल निकालने की बात करेंगे आपके साथ। स्टेप फोर, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। और यहां गुडविल जो निकालेंगे हम लोग वो गुडविल दो तरह से होगा। यहां हम क्या लेंगे, सुपर प्रॉफिट लेंगे,
यहां भी हम सुपर प्रॉफिट लेंगे इनटू एन्यूटी रेट इनटू एन्यूटी रेट और यहां अपॉन एन्यूटी रेट अपॉन एन्यूटी रेट। आप देख रहे हैं, अब क्वेश्चन डिपेंड करता है कि जो एन्यूटी रेट है उस रेट की वैल्यू क्या दी गई है। आप इनटू तब करिएगा व्हेन एन्यूटी रेट इज मोर देन वन, यानी इनटू तब करिएगा जब एन्यूटी रेट एक से ज्यादा हो, और डिवाइड तब करिएगा एन्यूटी रेट आपका लेस देन वन हो। बस आप एन्यूटी रेट के बेसिस पे गुडविल को रख दीजिएगा। अगर एन्यूटी रेट एक से ज्यादा होगा तो इनटू करिएगा, और एक से कम होगा तो क्या कर दीजिएगा, उसको डिवाइड कर दीजिएगा, और इस बेसिस पे आप गुडविल की वैल्यू को क्या करिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। यही चीजें यहां पे मेंशन है। इस सारा गुडविल के कैलकुलेशन के मेथड्स हैं, मैंने सारी चीजों को बताया। और आपको कोई डाउट्स होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, मैं उसके रिगार्डिंग फिर से काम करूंगा। आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, होप आपको जरूर पसंद आएगा। बहुत कॉन्सेप्चुअल मैंने इस टॉपिक को पढ़ाया है। आप वीडियो को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो का लिंक अपने सारे फ्रेंड्स को व्हाट्सएप के थ्रू जरूर प्रोवाइड करिए। फिर आपके साथ गुडविल के एक नए टॉपिक के साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए थैंक्स, बंद करो।